अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और ईद के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं ईद के हवाले से लेकर आई हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी और यखनी पुलाव की। चले जी, बिना वक्त ज़ाय किए हम बनाते हैं बिरयानी और यखनी पुलाव। अच्छा जी, मैं तकरीबन ये 2 से 3 अदद मेरी बड़ी प्याज है जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, 1 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, और देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इसको निकाल लेंगे। इसी के तेल में हम जो है गोश्त को भुनेंगे, जिसमें देखिए तमाम गरम मसाला इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इनको 1 मिनट के लिए सिर्फ मुझे भूनना है और उसके बाद प्याज भी डाल देनी है। ये तकरीबन 2 अदद प्याज है, और 1 चम्मच मैं गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ। 1/2 किलो गोश्त भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें तमाम मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि लाल मिर्ची पिसी हुई, काली मिर्ची पिसी हुई, और हल्दी, ज़ीरा, धनिया पिसा हुआ, नमक, इन सब को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये सब के सब 1 चम्मच है। साथ ही साथ इसमें टमाटर भी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। देखिए इसमें अभी पानी है तो इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैं 4 से 6 अदद जो है हरी मिर्ची डाल रही हूँ काट के, और आलू ले रही हूँ 2 बिग साइज़ के, ये भी काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मिर्चों का इस्तेमाल आपको मज़ीद तेज़ करना तो मज़ीद डाल सकते हैं। आलू को भी हम पकने के लिए रख देंगे थोड़ा सा पानी डाल के। देखिए आलू और गोश्त दोनों हमारा पक चुका है, तो अब हम पानी जो है उबालने रख देते हैं नमक डाल के। चावल मैंने भिगो दिए थे। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे जो तय में लगेंगे वो टमाटर है, हरी मिर्ची है, पुदीना है, दही है, फूड कलर है, केवड़े का पानी, और ये जो मैंने तमाम जो साबुत मसाले डाले थे इनको पीस लिया है, और ये बिरयानी का मसाला बनाया है। पानी में उबाल आ चुका है तो हम चावल डाल देंगे। जब 1 कनी रह जाएगा तो हम इसको छान लेंगे। देखिए चावल हमारे जो है पक चुके हैं, बस 1 कनी रह गई जो दम पे पूरी हो जाएगी। अब चावलों के ऊपर हम मसाले की तह लगाएंगे, और इनके ऊपर हम कटे हुए टमाटर, पुदीना, ये सब की भी तह बिछाते जाएंगे। फिर ऊपर से हम मज़ीद चावल रख देंगे। यूँ हमारी जो है तह कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए दही का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इस तरह से डाल देना है। ज़रूरी नहीं कि इसको बहुत फेंट के डालें हम। अच्छा, जो हमने फ्राई की थी प्याज वो भी थोड़ी ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी जो है हम दरमियान में भी डाल रहे हैं बिरयानी का मसाला। और ये देखिए चावल डाल दिए। अब इसके ऊपर केवड़ा और प्याज जो हमारी थोड़ी हमने बचा ली थी। देखिए प्याज तली हुई की खुशबू तो अलग ही होती है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, फूड कलर और थोड़ा सा ऑयल, ताकि अच्छे से हमारे चावल खिल जाए। अब इसको हम दम पे लगा देंगे। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में हल्की आंच पे दम पे लग गए, और देखें ये चावल बिल्कुल हमारे पक चुके हैं अच्छे से। देखें मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसको गर्म किया, और इसमें ये प्याज फ्राई करने के लिए रख दी है। अच्छा, देखिए ऑयल से ज़्यादा प्याज थी, लेकिन ये क्योंकि पानी जो है इसका ख़त्म हो जाएगा प्याज का, तो प्याज कम हो जाती है। अच्छा जी, उसी के तेल में जो है मैं ये मज़ीद जो है मसाले डाल रही हूँ। इसमें देखिए बाजरे के फूल भी है, और साबुत लाल मिर्ची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, ये सब भी हम इसमें। अच्छा, इनको कुछ सेकंड के लिए हमें भूनना है, और इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे। देखिए गोश्त जो मैंने बीफ का लिया ये 1/2 kg है। इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और 1 चम्मच जो है मैं काली मिर्चें पिसी हुई, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और 1 चम्मच नमक। देखिए हमें थोड़ा सा है ना मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, क्योंकि हमारे चावल भी इसमें ऐड होंगे।
तो ये जो है फीका हो जाएगा अगर हमने मिर्चें कम डाली तो। अच्छा, मैंने एक पोटली बना लिया, आप ये मेरे पास इस तरह का था, तो मैंने इसके अंदर जो है धनिया और सौंफ को रखा है और इसको शामिल कर दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू हमें दे सके और जायका भी। साबुत चीज़ों में मैं साबुत लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। देखिए, साबुत जो लहसुन था इसको मैं अच्छे से जो है इसको पीस लूँगी और बाकी का मैं फेंक दूँगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका भी। अच्छा जी, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है दही ऐड कर रही हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा होता है और चावल हमारे बहुत खिले हुए रहते हैं। देखिए, हमारे चावल में से जो है वो दम पे अब आने को तैयार है। इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब और लाल प्याज थोड़ा सा फूड कलर। बस अब इनको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम दूँगी और निकाल लूँगी। देखिए, चावल हमारे अच्छे से हो चुके हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।